Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you all are doing absolutely good. तो फिलहाल भाई नहा धो के मैं लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा सुंदर. और अभी क्या टाइम सुबह के 11:30 हो रहे हैं भाई. आज उठा भी लेट ना, पता नहीं क्यों रात को लेट सोते हैं भाई. 11:30 तो हो ही जाते हैं हमें सोते सोते बातें करते हुए. तो फिलहाल आज है भाई श्रावण मंथ का फर्स्ट मंडे है, मतलब आज फर्स्ट फास्ट है सावन महीने का. वैसे तो मंथ मेरे ख्याल से 3-4 को ही स्टार्ट हो गया. तो फिलहाल मेरे तो भाई फास्ट होती हैं 3-4 सालों से, तो रख ही रहा हूँ एंड कंटिन्यू करते रहूँगा जब तक हो पाएगा. तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, एक तो घर के पास है, कल मैंने लास्ट व्लॉग में बताया भी था बारिश नहीं होगी तो नीचे वाले में जाएंगे. तो फिलहाल नीचे वाले मंदिर में चलते हैं, तो रिस्क है भाई. मैं खुद लोगों को अवेयर करता हूँ कि इस टाइम पर नहीं जाना चाहिए खड्ड में, बट खुद जा रहा हूँ. बट भाई मैं ये तो कुछ भी नहीं है भाई, पहले मैं और मेरा फ्रेंड होते थे ना यहाँ पे लास्ट ईयर, तो हम भाई पानी हमारे यहाँ तक होता था ऊपर यहाँ पर कमर तक, तब भी हम पानी के बीच से गुजर के हमने होता था कि मंदिर जाना तो जाना ही है भाई. फिलहाल में भी पानी ना हो क्योंकि धूप निकली है, तो देखते हैं भाई अगर होगा तो आ जाएंगे वापस. तू थोड़ी जाना, नहीं जाना, तेरे को लेके जा रहे भाई. अभी इन तक तू नहाए जल्दी करना. मैं और वंशी का तो भाई हो गया रेडी, उसका वेट कर रहे हैं, वो नहाए नहीं अभी तक. नहा लिया मतलब कि कपड़े पहन के बाहर आएगा. तो फिलहाल वंशी का तोड़ रही है भाई फूल यहाँ पे. तो गाइस फिलहाल हम जा रहे हैं भाई बाइक लेके, बाइक देख के ऊपर लगा देंगे, अगर रास्ता थोड़ा ठीक हुआ तो नीचे लेके चले जाएंगे, अदरवाइज रोड पे लगा देंगे. चलो जी गाइस, तीनों के तीनों भाई हम निकल गए हैं बाइक पे, तीनों बैठ के बापू जी के तीन बंदर निकल चुके हैं भाई. हम और मौसम मस्त हो रहा है भाई, जैसे धूप आ रही इतनी गर्मी लग रही है ना, अदरवाइज मौसम मस्त हो रहा है. तो गाइस फिलहाल भाई जाने तो लगे हम इस रास्ते से, आगे जाके देखते हैं खड्ड में पानी है बट उतना नहीं है. चलो एनीवेज यहाँ पर प्रदीप भाई यहाँ रिस्क, यहाँ गिरेंगे या कुछ ना कुछ होगा भाई, आज तो कुछ ना कुछ होगा मेरे को लग रहा है. बाकी देखते हैं उतर के क्या हो जाएगा. बात तो वही है भाई, लोग और भी जा रहे हैं मंदिर में साथ साथ में. तो गाइस मंदिर के पास ही पहुँच गया, ये रहा मंदिर जय भोलेनाथ, और ये मंदिर के स्टैचू. भाई पानी तो है, पानी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ही समझ लो एक हिसाब से, पर प्रेशर पानी का ज़्यादा. देखते हैं भाई क्रॉस हो पाता है या नहीं हो पाता है, इतने दूर आए हैं, भगवान आपके पास बचा लेना, पुजा लेना अपने पास. देखते हैं भाई हमने लो ना वंश का पानी में बहेगी, ये पकड़ लो भाई. अच्छा ये कह रहा है ये नहीं जाना चाहिए, तू चाहे बह जा भाई, यहाँ से क्रॉस करेंगे हम. तनु तू जहाँ वंशी का नाना हाथ पकड़िए, दे सामान, चल पकड़ना फिर जा, पैर ऊपर कर ले, भाई रिस्क तो हम बहुत ज्यादा ले रहे. क्या हुआ, क्या एक जगह हो रहा है अच्छा भाई, मैं तो डूब भी गया एक बार पानी में भाई, मेरा ये घुटना गिर गया पानी में, डूब तो कहाँ गया, गिर गया भाई, यहाँ तक भर गया मेरा, देख लो भाई ये. आप उस पत्थर में ये सामान ले जाना, ये ले जा बस, वो रहने दे. डोलू खड़े जी बा चलते हैं. हमारा एक पार्टनर तो भाई पहुंच चुका है, उसने तो लगभग कर ही लिया क्रॉस भाई इसी तरीके से, और यहाँ पे और भी लोग हैं भाई जो क्रॉस कर रहे हैं भाई, देख लो करना जरूरी है, करना जाना जरूरी है. चलो जी गाइस फिलहाल हमने भी क्रॉस कर ही लिया भाई, वंशिका को मैंने करवाया, मैंने ब्लॉग नहीं बनाया भाई बीच में, मेरे को बहुत ज़्यादा डर है, फोन का डर है अपना डर नहीं है भाई, अगर बीच में गिर भी जाएंगे तो डूबेंगे नहीं इस पानी में, या बहेंगे नहीं भाई इतना तो है, बट पर भाई फोन जो गया ना फिर वो नहीं बचा. और भाई अगर क्रॉस कर रहे हैं ना पानी को देख रहे हैं भाई, चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, तो फ्रंट में देखना चाहिए. चलिए इसकी चप्पल ये भाई हम वहीं पर खोला है अपनी, तो यही रख दे, क्या रख दे इसी पेड़ पुड़ के नीचे साइड में भाई. वो आंटी पहले एक बार आ गए और दूसरी बार दोबारा रिवर क्रॉसिंग करा रहे हैं, और बच्चे को भी लेके आ रहा है भाई अपने साथ, ये ज़्यादा रिस्क लेना है भाई हमसे ज़्यादा, बट मेरे ख्याल से ये कह रहे थे कि हम आज जाना था आज ही आए हैं यहाँ पे,
देखना भाई अपने अब खुद भी आ रहे हैं, आंटी जरा भी डर रहे भाई, बाकियों को क्रॉस करवा रहे हैं। हाँ हमें भी क्रॉस करवाया भाई, इनको लेने जा रहे थे, हमें भी आधे रास्ते के ये लेने हैं, पंचिका का हाथ पकड़ के इन्होंने करवाया। चलो जी गाइस मंदिर में पहुंच गए, पहले तो हम आए हैं भाई यहाँ पे स्टैचू के पास। जय भोलेनाथ भाई। हाँ एक और आया दर्शन करने के लिए भाई। हाँ जी ये भी क्रॉसिंग करके आया भाई, वोटर सीधा ऊपर गया मंदिर। चलो जी गाइस मंदिर में पहुंच गया भाई, इतनी मशक्कत के बाद फाइनली। चलो जी गाइस हम अपने प्यारे महादेव के पास भी पहुंच गए हैं। जय भोलेनाथ भाई, हर हर महादेव। चलो जी गाइस मंदिर में भी जाए हैं और भाई मस्त पूजा भी कर लिया। और भाई यहाँ पे ना मेरे को आगे अलग ही सुकून मिलता है, मतलब ना अंदर से घूस घूम से आते हैं मेरे यहाँ पे आके। वैसे तो मंदिर चलो भगवान सारी जगह सेम है, बट फिर भी भाई कुछ यहाँ पे ना एक हिस्टोरिकल सा है कुछ, और मेरे को पता नहीं यहाँ पे मतलब अच्छी चीज़ आती है, इतना सुकून सा मिलता ना यहाँ, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ भाई। होता चलो बाकी सारी जगह भी सेम ही है, बट यहाँ पता नहीं भाई अलग ही वाइब है कुछ। तो फिलहाल भाई यहाँ आते हैं, हिस्टोरिकल मंदिर है भाई हमारे गाँव का, दूर दूर से लोग भी आते हैं भाई यहाँ पे। और बाकी शिवरात्रि शिवरात्रि पे मैंने आपको दिखाई है भाई थोड़ा बहुत क्या होता है यहाँ पे। वो लगी है भाई हमारी बाइक, वो लगाई है भाई बाइक हमने अकेली, हमारी बाइक थार होती मेरे पास यहाँ तक लेकर आने थी भाई मैंने, यहाँ तक नदी से बीच से कुछ आगे आती थी यहाँ तक की नहीं है, क्यों नहीं आनी थी पत्थर यहाँ से थोड़ी आना। वो देख बीच बीच में आया नहीं रास्ता, वहां से बीच बीच में से वो देख वहां से टोए वाली नहीं, अच्छा थार 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 टी एच ए आर 4x4 इतने बड़े पत्थरों पे चढ़ा दे कोई चक्कर, जगह तो पर छोटी सी है। नहीं यार हम आगे से ले आते यार, आई नहीं थी सुबह रास्ते से, नहीं आनी थी आनी थी, इतने इतने बड़े पत्थर भी मैं बीच में देखो रास्ता भी इतना छोटा सा, मैं खड्ड में लेके आई थी भाई जो मुझे रास्ता इतना पतला है। कौन सा वाला रास्ता, ऊपर वाला? ऊपर वाला पागल है। अच्छा भाई ये कह रहा है मेरे को कि मेरी वीडियो बना दो रील इंस्टाग्राम के लिए, इसने मेरे को पता नहीं कहाँ पे चढ़ा दिया भाई, एक पहाड़ एक पत्थर के ऊपर, बड़े से पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया। और खुद देखो भाई कहाँ खड़ा हो गया भाई, उस पत्थर के ऊपर खुद खड़ा हो गया नीचे से, वंशिका हमने कर दी नीचे खड़े भाई, और मेरे को इस पत्थर पे खड़ा कर दिया भाई, ये भी सेम हाइट पे है, यहाँ खड़े होके भाई वीडियो बनाने के लिए कह रहा है। हमने तो भाई चप्पलें वहाँ खोल दी थी ऊपर आते वक्त, इसको देखना चप्पलें कहाँ पर आई हुई है इसने भाई, ओ भाई हाथ में चप्पलें, ओ सिंपल जा रहा सिंपल इधर से जा सिंपल ही जाना कह रहा, मैं कुछ ऐसा करना देखना इसने गिरना है इसने पक्का, चल जा इसने कुछ करना उल्टा भाई देखते रहना पक्का, इसका मन है तैयार के जाऊँ मैं ना, इसका मन ही है तैयार के जाने का, जा सिंपल जा सीधे ना यहाँ नहीं जाना, जा ना ला फिर जा ना कुछ नहीं जा ना ला भाई, देखना इसको गंदे पानी में घर जाके दोबारा नहाना पड़ेगा, डूब रहा है जा रहा है आगे को मारना आगे को जा जा मैं गिला करना नहीं चीख गंदे गधा चल, मासी ने व्लॉग दिखना ना मासी ने छोड़ दी सी। तो गाइस फाइनली हमारा टास्क भाई कंप्लीट हो गया, हम आ गए भाई पानी के इस साइड आ गए, जैसे मर्जी करके भाई क्रॉस कर लिया, मुश्किल तो ज़्यादा नहीं था भाई, पर ये है कि बंशी के साथ ही तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसको भी लेके आना पड़ रहा था, अकेले तो कर ही लेते हैं, पर फिलहाल अभी चलते हैं घर, और धूप भी आ गई है भाई, तू शर्ट तो डाले अपनी पजामा सुखाना, अच्छा वैसे जाएगा बाइक पे ऊपर तक, चल बढ़िया फिर तो। गाइस हमारे गांव का ये वाला मोड है, इसके ऊपर गांव ही है, तो भाई यहाँ पे भी देखना ये सड़क यहाँ से लेके यहाँ तक टूट गई है, ये 2-3 दिनों से टूटी है पिछले 1-2 बारिश की वजह से, तो यहाँ तक टूट गई है भाई ये पूरे रास्ते तक, और अभी इस पे पता नहीं लगे हुए थे लोग काम करने जब हम आए थे ना, तो यहाँ फेंक के चले गए भाई, पूरी तरह से डाला भी नहीं चले भी गए भाई, इसको पूरा बिछा देते लेवल तो कर देते। हमने तो भाई चप्पलें वहाँ खोल दी थी ऊपर आते वक्त, इसको देखना चप्पलें कहाँ पर आई हुई है इसने भाई, ओ भाई हाथ में चप्पलें, ओ सिंपल जा रहा सिंपल इधर से जा सिंपल ही जाना कह रहा, मैं कुछ ऐसा करना देखना इसने गिरना है इसने पक्का, चल जा इसने कुछ करना उल्टा भाई देखते रहना पक्का, इसका मन है तैयार के जाऊँ मैं ना, इसका मन ही तैयार के जाने का, जा सिंपल जा सीधे ना यहाँ जाना जा ना ला फिर जा ना कुछ नहीं जा ना ला भाई, देखना इसको गंदे पानी में घर जाके दोबारा नहाना पड़ेगा, डूब रहा है जा रहा है आगे को मारना आगे को जा मैं गिला करना नहीं चीख गंदे गधा चल, मासी ने व्लॉग दिखना ना,
चलो जी गाइस घर पे पहुंच गए, अब करेंगे भाई सारा दिन रेस्ट और साथ में एडिटिंग करेंगे अब। तो गाइस अभी टाइम शाम के भाई 5:15 हो रहे हैं और फिलहाल एडिटिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जस्ट अभी उठा हूँ भाई मैं, 5 मिनट पहले सो गया था, दोपहर को सोए थे, वहाँ से आए थे मंदिर से और थोड़ी देर बस ऐसे फोन चलाया, देखा हिमाचल का क्या हाल हो रहा है भाई, चंडीगढ़ में क्या हाल है, पंजाब में क्या हाल है भाई, बहुत ही ज़्यादा से बारिश हुई है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी हुआ, हर साल होता है भाई बट इस बार कुछ ज़्यादा ही कुछ अलग ही लेवल पे हुआ है भाई, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी हमने देखा था दिल्ली में देखा था, बट भाई पंजाब का इस बार बहुत ज़्यादा बुरा हाल है एंड हिमाचल में बहुत सी जगह देखी है। तो फिलहाल भाई ये है कि सब कुछ सेफ रहे भाई, किसी की जान को खतरा ना जाए या कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो लोगों का, चलो नुकसान हो भी रहा है नेचर की वजह से वो एक अलग मैटर, बट भाई किसी की जान ना जाए इस चीज़ से, बस मेन ये है कि नुकसान की भरपाई तो बंदा कर ही लेगा किसी के तरीके से, बट भाई जान ना जाए किसी की, जान इंपॉर्टेंट है। फिलहाल काम करते हैं और उसके बाद फिर खाना खाएंगे, आज फास्ट वाला खाना होगा, वहाँ पर मेरे को थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है भाई खाने की, भिंडी बनी होगी एंड विदाउट नमक वाली भिंडी भाई, नमक वो डाल के नींबू डाल के, क्योंकि फास्ट में नमक नहीं खाते, तो फिर उस तरीके से विदाउट नमक वाली भिंडी बनाते हैं हमारे, तो यही है और बस साथ में खीर होगी। तो गाइस फिलहाल मेरा खाना भी आ गया भाई, खीर है सेमियों की और साथ में भिंडी की सब्जी, साथ में रोटी फिलहाल ये खाते हैं, पापा और अन्नम तो खा रहे हैं भाई यहाँ बैठ के। तो गाइस फिलहाल बाहर भी आ गया भाई और अभी जाएगा थोड़ा सा मौसम जिसको कह सकते हैं थोड़ा सा ठीक हुआ, राहत मिली है भाई मौसम में ना, अभी रात को फिर से ख़राब हो जाए और थोड़ी थोड़ी धूप तो निकल रही है भाई, यहाँ नहीं है लेकिन पहाड़ों पे सामने धूप पड़ रही है ना पीछे, हाँ पीछे पीछे हल्की हल्की, तो फिलहाल बाहर चलते हैं भाई ग्राउंड में। तो गाइस अभी टाइम फिलहाल भाई रात के 9 बज रहे हैं और मैं बाहर से आया था, मेरे को थोड़ी ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो फिलहाल घर आ गया, अभी मैं सोच रहा था मैं कहा सोएंगे थोड़ी लेट सोते हैं, बट खाना तो भाई शाम का खा लिया, अब खाना नहीं खाना है अब कल ही खाएंगे, तो फिर मैं सोचा अभी भाई लेट ही जाते हैं, इससे बेटर है पर दोपहर को सोया था भाई नींद नहीं आएगी इतनी जल्दी, बट एनीवेज देखते हैं एडिटिंग कर लेता हूँ या फिर सो जाते हैं, दोनों में से एक ही चीज़ होगी। तो बाकी तो फिलहाल लोग ये कहते हैं गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।